इस वक्त मौजूद है हम रसूल पार्क के इलाके में, जहाँ पे पिछले 40 साल से जो है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक, ना काबा का और उसके अलावा हज़रत अली का जो है रोज़ा मुबारक का जो है यहाँ पे इन्होंने स्ट्रक्चर तैयार किया होता है। बात करते हैं सबसे पहले इस घर के सरबराह से। अस्सलाम वालेकुम सर, ये कब से ये बना रहे हैं आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ये तकरीबन 50 साल से ये काम कर रहा हूँ। ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मेरे बेटे मेरे साथ मिल गए हैं, वो पूरा बाजार से जाते हैं। ये मेरा शिराज बेटा है, अब इनसे बात करते हैं। जी इस वक्त शिराज हमारे साथ मौजूद है, शिराज से बात करते हैं। शिराज, हमारे जो है देखने वाले को सबसे पहले तो ये तो बताइएगा कि जश्न ईद मिलाद नबी का जश्न बड़े जोशो खरोश से आप मना रहे हैं, उसके साथ जो है आप ये माशाल्लाह जो आपने यहाँ पे हमारे सामने जो स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ, बड़ी दूर दूर से लोग सालों से देखने आ रहे हैं, उस वाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूँगा कि जश्न ईद मिलाद नबी का दिन 12 रबी अव्वल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। हम इस दिन को बड़े जोशो खरोश और खुशियों से मनाते हैं, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में किस पर्पज़ के लिए आए, लोगों को इस चीज़ की अवेयरनेस देने की ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वाले साहब 40 साल से जो है सेटअप को लगा रहे हैं, माशाल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक लगाते हैं, खाना काबा लगाते हैं, हज़रत अली का रोज़ा मुबारक लगाते हैं। काफ़ी दूर दराज से जो है ना आवाम देखने आती है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना देख के लोगों का ईमान ताज़ा हो जाता है। जी सर, अच्छा ये बताइएगा कि ये जो है रोज़ा मुबारक और जो तमाम चीज़ें बना रहे हैं, इसमें जो है अपनी मदद आपके तहत कर रहे हैं या इसमें अहले इलाका भी शामिल है? सर वो तो जाहिर सी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अपनी मदद आपके तहत भी कर रहे हैं, और हमारे मजीद कारीगरी भी हमारे साथ काम कर रहे हैं, जो हमारे जो ना वर्कशॉप पे शोरूम पे वर्किंग करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ जो ना मैनेज करके इस चीज़ को जो है हम रेडी करते हैं, और ये तकरीबन 3-4 दिन पहले से हम इस चीज़ को लगा रहे हैं, और ये चीज़ अब आपके सामने मुकम्मल तौर पर जो है तैयार है। माशाल्लाह जो है 4 दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, शब रोज़ की आपने मेहनत की। मैं पूछना चाहता हूँ कि 40 साल से आप लोग ये मेहनत कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट लेवल पर कभी पजीराई हुई? आपके सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल जो है यहाँ के जो है 2 दफ़ा मिनिस्टर, पहले भी 1 दफ़ा बन चुके हैं, अभी जो है इस वक्त जो है एक्टिव मिनिस्टर है, उनके तरफ से कोई पजीराई हुई आपको? नहीं सर, उनकी तरफ से हमें कोई कभी रिस्पांस भी नहीं मिला, ना ही हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कभी इन्होंने विजिट किया या आना पसंद किया? नहीं सर, वो आए ना आए हम इस चीज़ से कोई जो है ना हेडिक नहीं हमारा। हम माशाल्लाह जिस पर्पज़ के लिए दिन मना रहे हैं, हम खाक से और खाक हैं, हमारा जो कुछ है इस नबी के सदक़े से हमें मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह हम उन चीज़ की जो है ना हमें उन जो है ना पर्पज़ की या पर्सन की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अच्छा देखने वाले को बताएंगे प्रॉपर ड्रेस थोड़ा बताएंगे, क्योंकि हमारे देखने वाले अगर यहाँ पर आना चाहें, अगले साल यहाँ पे आना चाहिए, आप अपना एड्रेस बता दीजिएगा। सर ये 105 टीपू सुल्तान रोड, हाफिज़ ब्रदर फर्नीचर हाउस, रसूल पारे के नाम से जो है ना ये जगह मशहूर है, और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से मेरे वाले साहब भी एक जितने अरसे से लगा रहे हैं, मैं भी किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि यार किस जगह पर ये जो है ना सेटअप लग रहे हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा कि पिछले 40 साल हो गए हैं यहाँ पे खिदमत करते हुए, आका जी की खिदमत करते हुए, आका जी का जश्न मनाते हुए, और ये नस्ल दर नस्ल जश्न मनाते रहेंगे। अच्छा नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जो मर्दान से स्पेशली ये सेटअप देखने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। जी सलामुअलैकुम। मैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इन्होंने मुझे इन्विटेशन दी है, असलम साहब ने और इनके बेटे शिराज साहब ने, और मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ, और इंशाल्लाह मैंने इरादा किया हुआ है कि इंशाल्लाह हर साल इसके लिए आऊँगा, स्पेशली मैं इस साल इसके लिए आया हूँ, और इन्होंने मुझे बहुत यानी मेहमान नवाजी की है मेरी और खिदमत की, और अल्लाह इन्हें बड़ी जजाए खैर दे, क्योंकि जो काम इन्होंने किया हुआ है और पकड़ा हुआ है वो काम ये सारे कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, कतलमे बना रहे हैं, सब कुछ किया है उन्होंने, तो अल्लाह इनको जजाए खैर दे इस काम में। और मैं लोगों को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी खत कर यानी इस इनको देख कर इसी तरह मदीना मक्का जो है वो और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला का जो रोज़ है इसी तरह कुछ करें, ताकि लोग आए और इनकी ईमान ताज़ा हो।